तो इस साल के IPL 2023 की शुरुआत काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में निकल कर सामने आ रही है, जहां पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हाल फिलहाल में इंजर्ड हो चुके हैं। बहुत सारे खिलाड़ी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए शुरुआत के IPL मुकाबले मिस करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में कई मरतबा हम लोगों ने सभी 10 की 10 टीमों के पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 को डिस्कस करने का प्लान किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई यहाँ पर बाधा आई है, कोई ना कोई बदलाव आया है, जिसके चलते पूरी प्लेइंग 11 और टीमों की दशा, उनकी मनोदशा, उनकी प्लेइंग 11 की सब कुछ यहां पर बदलती हुई नजर आई है। लेकिन हाल फिलहाल में दोस्तों, अब हम कहीं ना कहीं जितना IPL के पास पहुंच चुके हैं, लगभग हमारे पास हर तरीके की अपडेट्स हैं और एक फाइनल कंक्लूजन भी है कि आखिर किस तरीके से फाइनली यहां पर सभी टीमों की 10 की 100 टीमों के पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 नजर आ सकती है, हर एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल वीडियो की जाए, और आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो को लेकर, तो हमने भी भैया आपका हुक्म राखों पर हर बार की तरह रखा है। अब लेकिन एक उम्मीद आपसे जरूर लगाए रहते हैं, थोड़ी सी उम्मीद हम भी बांधे रहते हैं कि अगर आपको भी हमारा काम पसंद आएगा तो आप लोग दिल खोलकर वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये IPL का सीजन है, ये फेस्टिवल का सीजन है, और यहां पर ऐसे फेस्टिवल में ना हम बहुत सारे कॉन्टेंट आप लोग के सामने लाते रहेंगे। बट मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट एंड बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अभी कल MS धोनी सर नट्स में चेन्नई में बवाल मचाया, अब सब कुछ हम लोगों ने वहां पर कवर किया था। तो ऐसे में अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, आप बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें जानना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। लेकिन ऐसे में हम शुरुआत करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ऑल टेन टीम्स फर्स्ट मैच प्लेइंग 11 एंड वी आर स्टार्टिंग विद गुजरात टाइटंस बनाम CSK। आपको पता है ये मुकाबला आपको 31 तारीख को अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। अब इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 किस तरीके से हो सकती है, कंसीडरिंग कौन कौन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर। तो ऐसे में भैया गुजरात टाइटंस टीम के लिए मुझे नजर आ रहे हैं दोस्तों यहां पर शुभमन गिल, मैथ्यू वेट टू ओपन, क्योंकि फॉर श्योर डेविड मिलर नहीं है। अगर डेविड मिलर होते तो मैं मैथ्यू वेट को साइड टीम में नहीं रखता, क्योंकि केन विलियमसन को टीम खिलाना चाहती है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में अब वो नहीं है, तो आई एम गोइंग टू ओपन विद मैथ्यू वेड एज अ विकेट कीपर, देन KS भरत और अभिनव मनोहर आप किसी को भी नंबर 3 पर खिला सकते हो, नंबर 4 पर मैं केन विलियमसन को खिलाऊंगा। ऑनेस्टली आप चाहेंगे वैसे केन विलियमसन आइडियली नंबर 3 पर खेले, पर इस मैच में कंसीडरिंग की मतलब डेविड मिलर बेसिकली नहीं है, सो फॉर दैट रीजन मैं यहां पर जो है केन विलियमसन के साथ जाऊंगा। देन हार्दिक पांड्या एट नंबर 5, देन राहुल तेवटिया, राशिद खान, RSI किशोर भी मेरी टीम में रहेंगे, और यश दयाल तो खेलेंगे अगर वो फिट है, वैसे वो भी थोड़े से इंजर्ड बताए जा रहे थे तो उनका भी देखना रहेगा, लेकिन फिट है तो ऑब्वियसली पिक्चर सुपर हिट है। एंड देन अल्जारी जोसेफ फॉर श्योर गोइंग टू प्ले, बिकॉज जोशुआ लिटिल की इंजरी पर अभी उतनी अपडेट्स हैं नहीं, सो अल्जारी जोसेफ इन माई टीम फॉर श्योर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोहम्मद शामी, द रॉ पेसर ऑफ दिस टीम, द मेन पेसर ऑफ दिस टीम, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही वो प्लेइंग 11 है जो गुजरात टाइटन्स टीम उतार सकती है अगेंस्ट CSK 31 मार्च को IPL 2023 के पहले ऐतिहासिक मुकाबले में। और बात करें दोस्तों यहां पर चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के बारे में, तो आखिर इनकी प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी, अब देखिए इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हाल फिलहाल में हुई, थोड़े से बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर अनअवेलेबल हुए, मुकेश चौधरी नहीं है, सिसंडा मगाला भी नहीं रहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन बाउंड प्लेयर हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी दोस्तों, यहां पर आपको नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे फॉर श्योर मैं उन्हें खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, देन मोइन अली एट नंबर 3, बेन स्टोक्स एट नंबर 4, अब स्टोक्स 3 पर खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, पर प्लेइंग 11 कुछ इसी तरीके से रहेगी। देन शिवम दुबे या फिर अंबाती रायडू में से मैं किसी एक को खिलाऊंगा, मैं शायद यहां पर रायडू को खिलाऊं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, आप किसी को भी खिला सकते हो। देन MS धोनी एज अ विकेट कीपर, द लीजेंड, द हमारे खास माई फेवरेट, एंड देन रविंद्र सर जडेजा फॉर श्योर, दीपक चहर फॉर श्योर, और यहां पर आपको एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए, स्पेशली क्योंकि अब मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आप खो चुके हो। तो ऐसे में मतलब काइल चैमिसन भी नहीं है इस मैच में, सिसंडा मगाला भी नहीं है, ठीक शाना भी अनअवेलेबल है, तो ड्वेन प्रिटोरियस फॉर श्योर ड्वेन प्रिटोरियस को मैं इस मुकाबले में जरूर रखूंगा, कंसीडरिंग कि गुजरात में पेसर्स को मदद मिल सकती है। देन ड्वेन प्रिटोरियस विथ हिज
डेथ ओवर बोलिंग एबिलिटी, मैं उनको देखना चाहता हूँ प्लेइंग 11 में। उसके बाद मेरी टीम में या तो प्रशांत सोलंकी रहेंगे या फिर हंगर गेकर, डेफिनेटली कंडीशन बेस्ड पिक है। सोलंकी एक युवा लेग ब्रेक गेंदबाज, एमएस धोनी को काफी इंप्रेस किया है नेट्स में, तो इनको डेब्यू मिल सकता है, स्पेशली कि थीक्षाना भी अनअवेलेबल है, या फिर हंगर गेकर अगर मुझे एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है। देन उसके बाद सिमरजीत या फिर तुषार में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि मुकेश चौधरी भी तो इंजर्ड है। तो ये कुछ प्लेइंग 11 मुझे चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स की नजर आ रही है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। अब देखना रहेगा कि टीम किस तरीके की प्लेइंग 11 यहां पर उतारती है, पर मुझे लगता है कि इसी तरीके की होगी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर मैच नंबर 2 के बारे में, जो हमें पंजाब किंग्स बनाम कौरबो लॉर्बो जीतबो देखने को मिलेगा। तो भैया अब यहां पर तो कप्तान ही बदले हैं कौरबो लॉर्बो के। खैर अब देखिए इनके साथ पंजाब किंग्स के साथ केस क्या है, इनकी प्लेइंग 11 कैसी होगी। देखिए जॉनी बेस्टो नहीं है, जॉनी बेस्टो नहीं है, मैट शॉ टीम में आ चुके हैं, क्या वो खेलेंगे, मुझे लगता है खिला दीजिए, आ चुके हैं आपके टीम को भी ज्वाइन कर चुके हैं शिखर धवन कप्तान, उनके साथ मैच शॉट को करा दीजिए ओपन। मैं तो करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा, क्योंकि मतलब मौका दे रहे हैं तो फिर अच्छे से दीजिए ना, दिल खोल के दीजिए। वैसे भनुका रजापक्षा का भी ऑप्शन है, वो भी आपको पावर प्ले में वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट मैच शॉट माई प्रायोरिटी। अगर आप उन पर भरोसा जता रहे हैं तो मेरी समझ से आप शॉट को खिलाइए, या फिर आप वही बात है भनुका की तरफ जा सकते हैं। दिल लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर ऑब्वियसली अब खेलेंगे, और उसके बाद तो वही 11 है, ज्यादा कोई बदलाव होगा नहीं। शाहरुख खान, सैम करन, ऋषि धवन, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहर, कगिजो रबाडा भी पहले मैच में अवेलेबल नहीं है, तो नेथन एलिस फॉर श्योर, एंड देन अर्शदीप सिंह। और मुझे ये पंजाब किंग्स टीम का लाइनअप नजर आ रहा है आईपीएल 2023 के उनके पहले मैच में अगेंस्ट केकेआर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स कुछ ऐसी फ्रेंचाइजेस हैं जो काफी कम अनअफेक्टेड रही हैं, मतलब थोड़ा सा उनको जो है मतलब प्रॉब्लम्स उतनी हुई नहीं है, मतलब कम अफेक्टेड रही हैं एक्चुअली, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, फलाना रीजन, ढमकाना रीजन, इंजरी रीजन की वजह से हाल फिलहाल में बहुत तंग है। तो पंजाब किंग्स उतना ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, बस बेस्टो की जगह शॉट खिला लीजिए एंड आपकी चीज़ें भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कौरबो लॉर्बो जीतबो के बारे में। तो भैया इनके कप्तान श्रेयस अय्यर नहीं है, नीतीश राणा कप्तान बन चुके हैं इस मैच में। वैसे लॉकी फर्गसन पर भी संकट के बादल हैं, वो भी शायद उतने फिट नहीं है, तो ऐसे में किस तरीके की 11 होगी। शाकिब अल हसन अवेलेबल नहीं है, देखिए मैं तो कहता हूँ वेंकटेश के साथ गुरबाज को ओपन करा दीजिए। आपके पास डेविड वीजे का भी ऑप्शन है, बट आई थिंक वेंकटेश अय्यर टू ओपन विद गुरबाज, गुरबाज हैज बीन फेनोमिनल रिसेंटली, और वो अच्छा कर सकते हैं, मुझे लगता है बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, तो खिला दीजिए एज अ विकेट कीपर। देन नीतीश राणा एज अ कैप्टन, एट नंबर 3 मनदीप सिंह को मैं एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाऊंगा, क्योंकि गेंदबाजी का विकल्प ऑलरेडी इस टीम के पास काफी है, आपको एक्स्ट्रा गेंदबाज नहीं चाहिए, आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाइए, ऐसा मेरा मानना है। सो मनदीप सिंह फॉर श्योर, देन आंदे रसल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, देन लॉकी फर्गसन या फिर टिम साउदी, टिम साउदी भी आ चुके हैं, लॉकी भी आ चुके हैं। अगर आपको लॉकी को रेस्ट देना है तो रेस्ट कराइए, नहीं तो फिर मतलब वही बात है, फिर लॉकी को खिला दीजिए, वो तो आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है। एंड देन उमेश यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, और लॉकी को रेस्ट देने की बात आप लोगों को पता है इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा उनके साथ इंजरी का कंसर्न है, बाकी उसके अलावा तो आई थिंक दैट इज इट प्रीटी मच सॉर्टेड। कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच जो मुकाबला है उसकी प्लेइंग 11 पहले मैच की कुछ इसी तरीके से आपको नजर आएगी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, सिकाना में मुकाबला है, इस चीज को ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, इसलिए क्योंकि इकाना की पिच थोड़ा सा वो मतलब आपको पता है ना, स्पिन फ्रेंडली भी हो सकती है, हालांकि बोला गया कि अब फ्रेश पिच तैयार की गई है नए क्यूरेटर के साथ, सो वी रियली डोंट नो कि पिच किस तरीके से बर्ताव करेगी, बट स्टिल जीजी साहब तो ऐसे भी कहते हैं पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिच हटाओ कोई मतलब नहीं है। खैर ऐसे में प्लेइंग 11 क्या होगी, सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में। नहीं है भैया क्विंटी, आपके क्विंटन डिकॉक शतक मार के आ रहे हैं पर इस मैच में है नहीं, तो आप किसके साथ जाओगे। देखो ऑनेस्टली बताओ, मेरा मन तो ये था कि आप मनन वोरा को खिला लो, आप 3 विदेशी के साथ उतरो और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे 4th विदेशी यूज करो, फिर आपके पास ऑप्शन खुल जाते डैनियल सैम्स को भी लाने का, काइल मेयर्स को लाने का, नवीन को लाना चाहते हो आप, किसी को भी ला देते। लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है दोस्तों सरप्राइजिंगली कि केएल राहुल के साथ काइल मेयर्स यहां पर ओपन कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो दी बेस्ट है, या फिर दीपक हुड्डा भी कर सकते हैं। तो चलो भैया मैं मान लेता हूं, मैं रिपोर्ट के साथ जाता हूं, ठीक है, केएल राहुल कप्तान ओपन करेंगे अलॉन्ग विद काइल मेयर्स, देन मार्कस टोनिस एट 3, दीपक हुड्डा एट नंबर 4, निकोलस पूरन एज अ विकेट कीपर फिनिशर,
बैक्स्टर, देन आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, आवेश खान एंड अब तो मोहसिन खान भी इंजर्ड हैं, वो भी मिस करेंगे। तो खिला दीजिए जयदेव उनादकट को, क्यों खिला दीजिए, क्योंकि इकाना का मैदान है, अगर वो स्लोवेस्ट साइड आपको नजर आती है तो खिला दीजिए, ये थोड़ी सी स्लोअर वंस डालेंगे, शुरुआत में विकेट चटकाएंगे, अपनी कला का नमूना पेश कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन, बाकी मैं अभी भी कहता हूँ मेरी समझ से तो तीन विदेशी उतारो यार, मनन के साथ ओपन करा दो एंड use impact player as a proper foreign player के तौर पर आप ले आओ impact player में, तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन देखते हैं टीम यहाँ पर क्या करती है। खैर इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 किस तरीके से होने वाली है इस टीम के भी, तो भैया कप्तान इच नहीं है, कप्तान इच नहीं है, लुंगी एनगिडी इच नहीं है, एनरिक नोकिया इच नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान इच नहीं है, बहुत कोई नहीं है। एंड ऐसे में प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी, देखिए भैया डेविड डायनामाइट वार्नर टू ओपन अलॉन्ग विद पृथ्वी शॉ फॉर श्योर, देन मैं तो नंबर 3 पर वो खिला जाऊंगा, मनीष पांडे को खिला जाऊंगा या फिर यश धुल को खिला जाऊंगा, जिसको भी खिलाना है, क्योंकि अभी भी विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट टीम देख रही है, शेल्डन जैक्सन भी है, अभिषेक पोरल भी कंटेंडर्स लिस्ट में है, तो जो भी आता है, बट स्टिल मुझे लगता है मनीष या फिर यश धुल में से, स्पेशली यश धुल इज लुकिंग इन सुपर टच, मुझे लगता है खिला दीजिए यश धुल को भैया नंबर 3 पर आप खिला दीजिए, और उसके बाद मिचेल मार्श फॉर श्योर, सरफराज खान, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, कुलदीप, चेतन, खलील एंड देन कमलेश या फिर मुकेश, क्योंकि बात वही है कि अब आपके पास कहाँ ज़्यादा विकल्प हैं, आपके विदेशी बहुत सारे प्लेयर्स तो शुरुआत के मैचेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो खिलाओ भैया भारतीय खिलाड़ियों को ही खिलाओ, जो आपको मिल रहा है वो खिलाओ। तो भैया आपके लिए डेविड वार्नर एक फॉरेनर है, मिचेल मार्श है, रोमन पावेल है, मतलब तीन ही विदेशी के साथ ही उतर रहा हूँ, अगर आप खिलाना चाहते हो चौथा विदेशी तो खिला सकते हो, एक बल्लेबाज यहाँ पे आप डेफिनेटली खिला सकते हो भैया, चाहो तो जिसको खिलाना चाहो खिला दो, पर ऑप्शंस हैं ही नहीं यार, बहुत सारे खिलाड़ी अनअवेलेबल हैं, सो दैट्स अ कंसर्न फॉर दिस टीम, देखते हैं टीम यहाँ पे क्या करती है। खैर इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स टीम के ताबड़तोड़ मुकाबले के बारे में, तो आखिर किस तरीके की प्लेइंग 11 होगी, हैदराबाद टीम की ज्यादा परेशान ये भी हैं, क्योंकि इनके तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, माकरम, मार्को येंसन, बहुत कोई अनअवेलेबल है, इनके कप्तान ही नहीं है पहले मुकाबले में, तो प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी, देखिए भैया मेरी समझ से अभिषेक शर्मा एंड मयंक अग्रवाल टू ओपन फॉर श्योर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विकल्प अब कुछ खास ज़्यादा है नहीं, देन राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3, वैसे ओपन कोई भी कर सकता है, पर मुझे लगता है कि अभिषेक मयंक करें, त्रिपाठी नंबर 3 पर खेल सकते हैं, हैरी ब्रोक एट नंबर 4, ग्लेन फिलिप्स एज अ विकेट कीपर एट नंबर 5, और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा बैटर और खिलाना, ऑलराउंडर मैं कहूंगा तो या तो फिर अब्दुल समाद को खिला लो अगर आपको ऑफ स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, स्पिन ऑलराउंडर बेसिकली, एंड आप सनवीर को खिला लो अगर आपको थोड़ा सा राइट आर्म मीडियम पेस का ऑलराउंडर चाहिए, तो ये सिर्फ कंडीशन बेस्ड पिक होगी इस टीम के, मतलब इस टीम के हवाले से यहां पर होगा, हैदराबाद की कंडीशन है तो वैसे आप खिला दोनों को भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, आदिल राशिद अब फॉर श्योर खेल जाएंगे, क्योंकि येंसन है नहीं, देन उमरान मलिक, एंटी नटराजन, कुछ इस तरीके से मुझे हैदराबाद की प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में हैदराबाद के मैदान में नजर आ रही है। और बात करें रजवाड़ों के बारे में, तो राजस्थान रॉयल्स टीम, अब इनको ज्यादा वैसे हैरानी परेशानी है नहीं, संदीप शर्मा भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में जॉस द बॉल बटलर, यशस्वी जायसवाल टू ओपन, संजू सैमसन एट 3, देवदत्त पार्टिकल, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, जेसन होल्डर, मुझे लगता है होल्डर के साथ होल्ड करेगी टीम, देन आर अश्विन, संदीप शर्मा खिलाओ या फिर नवदीप खिलाओ, मैं तो संदीप को खिलाऊंगा, उनके एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा, देन युजवेंद्र चहल एंड ट्रेंट बोल्ट कुड बी द पॉसिबल प्लेइंग 11 ऑफ रजवाड़े, हालांकि आपके पास विकल्प में तो है यहाँ पे वो साउथ अफ्रीका के डेनोवन फरीद, या आप चाहते हैं तो उनके साथ जा सकते हैं इन प्लेस ऑफ जेसन होल्डर, बट मुझे लगता नहीं है ये टीम खिला पाएगी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप अगर 3 मतलब विदेशी खिलाओ तो शायद कुछ हो सकता है, बट इतना किचकिच करनी नहीं है, तो चलिए कुछ इसी तरीके की प्लेइंग 11 यहां पर हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की रजवाड़ों की। और ऐसे में दोस्तों अब हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुकाबला पहले मैच में जो सभी टीमें खेल रही हैं, उसमें से आपको देखने को मिलेगा आरसीबी बनाम एमआई के बीच, और ये मुकाबला होगा ऐतिहासिक चिन्नास्वामी के मैदान पर। किस तरीके की होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, क्योंकि आरसीबी के लिए संकट के बादल है, जॉर्ज हेजलवुड भी अभी तक नहीं आए हैं, रजत पाटीदार साहब भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं, भले उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है, तो प्लेइंग 11 क्या होगी, चलिए बात करते हैं थोड़े से जज्बात यहां पर शेयर करते हैं। एंड ऐसे में दोस्तों अगर बात करूं यहां पर सबसे पहले अब इस टीम के ओपनिंग स्लॉट्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि यहीं से आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वही बात है, अब पाटीदार होते तो फिर फाफ और विराट ओपन करते, पाटीदार एट 3,
क्योंकि अगर पाटीदार मतलब फिट नहीं, अगर हम ये मान लें कि वो मिस कर रहे हैं मुकाबला, जिसके चांसेस हैं ही कि वो मिस ही करेंगे, तो प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी दोस्तों? मुझे लगता है दोस्तों फाफ डू प्लेसिस इज श्योरली एज अ स्कीपर गोइंग टू ओपन, पर क्या विराट कोहली उनके जोड़ीदार होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरी समझ से, शायद ना हो, शायद। हालांकि विराट को आप एज एन ओपनर फॉर श्योर देखना चाहते हो, पर एक दो मैच में कॉम्प्रो कर सकते हो कंसीडरिंग द फैक्ट कि भैया आप जब तक पाटीदार का थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि वो फिट हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों फाफ डू प्लेसिस एंड देन आई थिंक फिन एलन इज गोइंग टू ओपन। मतलब देखिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पर ब्रेसवेल का भी है, माइकल ब्रेसवेल आ रहे हैं, ये भी न्यूजीलैंड से आते हैं, प्लस ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप इनको मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन कर सकते हो। बट वही बात है यार कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं ऑलरेडी, रजत पाटीदार भी हैं आपके पास लेफ्ट हैंड, एंड आई थिंक फिन एलन इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव प्लेयर। और चिन्ना स्वामी पर ना अगर उस बंदे को पावर प्ले में वो एक्सेलरेशन मिल गई ना तो तूफानी पारी खेल सकते हैं। सो आई वोंट माइंड पर्सनली, बहुत दिन बिठाया है, खिला दीजिए। वैसे मैं विराट को भी एज एन ओपनर देखना चाहता हूँ, क्या फाफ नंबर 3 पर खेल सकते हैं? ये भी एक बात है, पर इट्स अ ट्रिकी वन, बट ओके लेट्स गो। फाफ डू प्लेसिस टू ओपन एज अ कैप्टन, देन फिन एलन अलॉन्ग विथ हिम, मुझे ऐसा लगता है फिन एलन को करा दीजिए ओपन। विराट कोहली आ जाएंगे नंबर 3 पर कुछ मुकाबलों के लिए टू कॉम्प्रोमाइज, एंड देन ग्लेन मैक्सवेल एट नंबर 4, महिपाल लोमरोड, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, हर्षल पटेल, एंड क्योंकि वरिंदू हसरंगा भी नहीं है, हसरंगा साहब भी नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप कर्ण शर्मा के साथ जा सकते हो। देन दोस्तों क्योंकि आप ऊपर फिन एलन खिला रहे हो, मतलब एक विदेशी एक्स्ट्रा खिला रहे हो ना, इसीलिए वरिंदू हसरंगा नहीं है, यहाँ पर आप भारतीय खिला जाओगे। एंड देन क्योंकि अगर हेजलवुड भी नहीं है इस मैच के लिए तो रीसे टोपली या फिर डेविड विली में से कोई ये खेलेगा, मुझे लगता है रीसे टोपली यहाँ पर खेल जाएंगे, और उसके बाद मोहम्मद सिराज एज इट इज आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कुछ इसी तरीके की प्लेइंग 11 यहाँ पर आरसीबी टीम की चिन्ना स्वामी के मैदान पर होगी। कर्ण शर्मा को मैं खिला रहा हूँ प्लेइंग 11 में, क्योंकि एक तो आप प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहते हैं, और क्योंकि वो भी समझना पड़ेगा कि भले आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाना चाहें कुछ और विकल्पों के जगह पर, बट दिस कुड बी दैट पॉसिबल सिनेरियो जिसके साथ आप उतरना चाहेंगे। बाकी इंपैक्ट प्लेयर में आना जाना, बाहर आना, अंदर जाना, वो एक अलग चीज़ है, उस पर आप बाद में विचार कर सकते हैं। खैर ऐसे में दोस्तों हम बात करें यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट MI मुंबई इंडियंस मचाने वाली टीम के बारे में, आखिर ये किस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे? तो भैया मुझे नजर आता है कि MI RCB के खिलाफ उतरेगी विथ रोहित शर्मा टू ओपन, ईशान किशन के साथ, देन कैमरॉन ग्रीन आ चुके हैं नंबर 3 पर खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, तिलक वर्मा खेलेंगे, टिम डेविड खेलेंगे, डिवॉर्ड ब्रेविस भी हैं पर मुझे लगता है शायद वो खेल पाएंगे नहीं, एंड देन ऋतिक शोकीन, अरशद खान, जेसन बैरनडॉर्फ फॉर श्योर, जेसन बैरनडॉर्फ, एंड देन कुमार कार्तिकेय, और सबसे मेन पेसर इस टीम के जोफ्रा आर्चर आपको नजर आएंगे। तो भैया जोफ्रा आर्चर, जेसन बैरनडॉर्फ यहां पर एक दूसरे को पार्टनर करेंगे, और याद रहे कि जेसन बैरनडॉर्फ RCB का हिस्सा रह चुके हैं, तो टीम इसलिए भी उन्हें खिलाना चाहेगी कि अगेंस्ट दैट अपोनेंट वो उनको जानते हैं, उस टीम को परखते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हो सकती है ऑल 10 टीम्स फर्स्ट मैच प्लेइंग 11 कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस। बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई हो, पसंद आई हो तो भैया लाइक करिए, आपकी सभी टीमों को एक वीडियो में कवर कर दिया, मामला यहाँ पर एकदम मक्खन कर दिया। तो ऐसे में आप लोगों को काम पसंद आ रहा होगा, बस यही सोच रहा हूँ, अगर ऐसा है तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग, जानदार, शानदार, कमालदार, लाजवाबदार, एकदम धमाकेदार वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचे। और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें फॉर अमेजिंग एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं मिल रहे हैं और वहीं मिलते रहेंगे इस पूरे IPL। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।